मैं सुधाकर सिंह वैशाली बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ और भी लोग हैं जो बारी बारी से आपको सुनाएंगे, तो चले शुरू करते हैं। उग्रवाद से संबंधित संगठन। राज्य में उग्रवाद की इस गंभीर अवस्था के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संरचना जितनी दोषी है, उतने ही उग्रपंथी दल एवं प्रतिशोध की कार्यवाही में जुड़े दल एवं सेनाएं भी। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC एक अति उग्रवादी वामपंथी संगठन है, जिसका संबंध आंध्रा के पीपुल्स वार ग्रुप समेत अनेक उग्रवादी संगठनों से है। इस संगठन की उत्पत्ति 60 के दशकों में ही नक्सलवादी प्रभाव के अंदर हुई। MLC ने अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने के लिए अन्य उग्र वामपंथी संगठनों के सदस्यों की भी निर्मम हत्याएं की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भोजपुर जिला है। जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद तथा सिवान जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इसने अपना प्रभाव बना रखा है। आगे की जानकारी सुदर्शन जी देंगे, धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा बिहार से। बिहार समान ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसे पीछे सुधाकर जी ने बिहार ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अब आगे की जानकारी मेरे द्वारा। दिसंबर 1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बांधे गांव में इस सेना ने 62 दलितों की निर्मम हत्या कर दिया, जिससे पूरे भारत को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रपति ने बिहार सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन जिला प्रशासन तथा राजनेता पहले के तरह ही निष्क्रिय बने रहे। अंततः माले ने इसका बदला 10 जनवरी 1998 को रामपुर चैरम में 9 रणवीर सेना समर्थकों की हत्या करके लिया। 90 के दशक में उग्रवादी हिंसा धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और 1994 से 1997 तक उग्रवाद की वारदात में 696 लोग हिंसा में मारे गए थे। 1998 के चुनाव में केंद्रीय बल के 2 तथा बिहार BMP के 1 जवान उग्रवादियों के शिकार हो गए। उग्रवादी संगठन बिहार के कुछ जिलों में चुनाव बहिष्कार का मुहिम चला रहे थे। इसके विरोध में 1 मार्च 1998 में गया जिले में पुलिस कर्मियों ने हिंसनात्मक प्रदर्शन किया। अब मेरा एक प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सन 1994 से 1997 के बीच उग्रवाद के हिंसा में कितने लोग मारे गए थे? अब आगे की जानकारी जीतू जी से नहीं से देंगी, धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी पीछे सुदर्शन जी ने बिहार के बारे में कुछ तथ्य बताया, अब आगे। बिहार की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे पुलिस बल में सुधार और आधुनिकरण, भूमि सुधार आयोग का गठन, सेट की स्थापना, तथा उग्रवाद प्रभावित जिले में कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ किए हैं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वाहन, भवन, आधुनिक संचार प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिला में एक मॉडल थाना बनाने का निर्णय लिया गया है। उग्रवाद का एक बड़ा कारण भूमिजनित समस्याएं हैं, इसलिए इसके निवारण के लिए बंगाल के भूमि सुधार विशेषज्ञ डॉक्टर बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास हेतु राज्य सरकार ने आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आरंभ किया है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2006 को मुख्यमंत्री जहानाबाद जिले से कर चुके हैं। बिहार में उग्रवाद को
समाप्त करने के लिए पुलिस व्यवस्था की कुशलता तो है ही, साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता आदि की समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटना अधिक आवश्यक है। अब इस तथ्य से जुड़े एक प्रश्न, आपके सरकार आपके द्वार कब से आरंभ किया गया है? मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे से पूर्व जीतू जी ने बिहार ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया, अब उससे आगे। बिहार राज्य के लिए वर्ष 2005 राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल रहा है। इस वर्ष राज्य की 2 विधानसभा चुनाव करना पड़ा। इसी वर्ष 13वीं विधानसभा चुनाव के पश्चात घटी राजनीतिक एवं संवैधानिक घटनाएं काफी चर्चित एवं विवादास्पद रही। राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 13वीं विधानसभा चुनाव परिणामों के उपरांत गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के कारण 7 मार्च 2005 को लगाया गया। यह राज्य में 8वीं बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन था। यह एक सामान्य रूप लगाया गया राष्ट्रपति शासन था। राज्य की 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 3, 15 और 23 फरवरी 2005 को संपन्न हुई। इस विधानसभा में न तो किसी दल को गठबंधन और न ही बहुमत प्राप्त हुई। सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल की हार हुई। वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, लेकिन 243 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 75 सीटें ही प्राप्त हुई। सबसे बड़े गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उभरा, लेकिन उसे चुनाव में 92 सीटें प्राप्त हुई। प्रथम बार राज्य की विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाला रामविलास पासवान है, जो राज्य में बड़े शक्ति के रूप में उभरा, पर उसे 29 सीटें ही प्राप्त हुई। अतः सरकार बनाने की चाबी श्री रामविलास पासवान के पास आ गई, परंतु इन्होंने राजद तथा भाजपा दोनों दलों से संबंधित किसी भी दलों का गठबंधन को बनाने के समर्थन लेने से इनकार कर दिया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न कर रही हूँ। 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ, ये कब संपन्न हुआ था? आगे की जानकारी आपको दीपक जी देंगे। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार साक्षी जी ने राज्य की 13वीं विधानसभा के चुनाव इत्यादि के बारे में जानकारी दी। आगे की जानकारी मेरे द्वारा। राजनीतिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम देश में काफी चर्चित और विवादास्पद रही तथा संविधान वेताओं के लिए व्यापक बहस का मुद्दा भी बना। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन 6 महीने पूरे होने के उपरांत सितंबर 2005 में इसे और बढ़ा दिया गया। बिहार राज्य में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू हुई थी, जो लगभग 8 महीने चली और 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुई। यह राष्ट्रपति शासन राज्य में पहली बार बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार के आंतरिक कलहों से टूटने के कारण लागू की गई तथा वीपी मंडल के नेतृत्व में सरकार बनने के उपरांत समाप्त हुआ। आगे की जानकारी अशोक जी द्वारा, जो धनबाद से हैं। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार बनवाल बिहार के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राज्य में 6वीं बार राष्ट्रपति शासन 4 अप्रैल 1995 को समाप्त हुआ। राज्य में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 को लगाया गया था। यह राष्ट्रपति शासन कभी चर्चित और विवादपूर्ण रही थी। इसे राज्य में लगातार हो रहे नरसंहार तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण के बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का हवाला देकर राबड़ी सरकार को बर्खास्त कर 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य में 8वीं और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को किसी भी दल या गठबंधन द्वारा बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण लगाया गया था। 2005 के नवंबर में 14वीं विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाकर 24 नवंबर 2005 को राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया था। धन्यवाद। इसके आगे आप मेरे द्वारा सुनेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूर्व राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में अपना समाधान कर लेना आवश्यक है।
राष्ट्रपति के समाधान का आधार राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त प्रतिवेदन भी हो सकता है। विवाद का क्या मुद्दा था? राज्यों में अनुच्छेद 355 अथवा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रारंभ से ही विरोध होता रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 356 के उपयोग को संघात्मक शासन में अंतिम अस्त्र बताया है। उनके अनुसार 356 के अंतर्गत कोई उद्घोषणा करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है। संविधान की धारा 356, 357(1), 357(2), 357(3), 339(2), 344(6), 350(a) तथा 351 के अंतर्गत राज्य सरकारों को उचित निर्देश देने का प्रावधान किया है। SR बुम्बई बनाम भारत संघ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है। राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती तब तक संबंधित राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। अतः संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया जाना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करने और न ही राजनीतिक दुर्भावना के तहत। समय समय पर अनुच्छेद 356 की प्रासंगिकता इसकी आवश्यकता पर ही की गई राजनीतिज्ञों द्वारा प्रश्न उठाया गया, इसे पूर्ण रूप से हटा देने की मांग भी होती रही। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि प्रमुख है, परंतु यह मांग दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न। भारत संघ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बहुमत से निर्धारित किया कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत की गई घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है? इसके आगे की जानकारी आप कुणाल जी के द्वारा सुनेंगे। समान ज्ञान के इस श्रृंखला में मैं बिहार से जुड़ी कुछ जानकारी को फिर से बोलना चाहूँगा। बिहार राज्य के लिए वर्ष 2005 राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। इस वर्ष राज्य को दो विधानसभा चुनावों का सामना करना पड़ा। राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 13वीं विधानसभा चुनाव परिणामों के उपरांत किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के कारण 7 मार्च 2005 को लगाया गया था। यह सामान्य रूप से लगाया गया था राष्ट्रपति शासन था। राज्य की 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 3, 15 और 23 फरवरी 2005 को संपन्न हुए। 243 विधानसभा में मात्र उसे 75 सीटें ही प्राप्त हुई, जिनमें सबसे बड़ा गठबंधन की सरकार जदयू प्लस भाजपा उभरा, लेकिन इसे चुनाव में 92 सीटें ही प्राप्त हुए। राजद ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में कांग्रेस, भाजपा एवं कुछ वामपंथी दलों का समर्थन हुआ और मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू 2005 में करने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति से कर दी गई। अब इसके आगे दीपक जी से सुनिए, धन्यवाद। जैसे अतुल जी बता रहे थे, अब मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से बिहार ज्ञान की आगे की जानकारी देने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 356 की एक अहम आवश्यकता है और इसे समाप्त करने या इसके प्रभावों को कम करने के बजाय इसके सही और संविधान सम्मत उपाय सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यपाल की भूमिका राज्य में संविधान संरक्षक की होनी चाहिए, न कि किसी दल विशेष की राजनीतिक एजेंट की। इस बात के मुखर समर्थक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु रहे हैं। केंद्र सरकार को भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग और राष्ट्रपति शासन के मामले में संयम और सतर्कता से काम लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लें। केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 356 तथा राष्ट्रपति शासन के संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिशों को लागू करे, ताकि इस कारण कटु हो रहे केंद्र राज्य संबंधों में मधुरता आए।
राष्ट्रपति शासन और उसके बाद की घटनाएं। 3, 15 और 23 फरवरी 2005 बिहार की 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में संपन्न। 23 फरवरी 2005 13वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित, किसी भी दल की बहुमत नहीं। 6 मार्च 2005 विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलने के उपरांत राज्यपाल श्री बूटा सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति महोदय से की। 7 मार्च 2005 बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। 19 मार्च 2005 राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी मिली। आपसे एक सवाल जवाब कमेंट में दें, बिहार में राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी कब मिली? अब आगे की जानकारी किरण जी से मिलेगी, धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी बिहार से जुड़े कुछ प्रश्न बताऊंगी। पहला प्रश्न, जहानाबाद के एक स्वर्ण संसद के द्वारा एक लोरिक सेना का गठन हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? दूसरा, भूमि सुधार आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तीसरा, नक्सल प्रभावित इलाके में समेकित एवं त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? चौथा, राज्य की 13वीं विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? पांचवा, बिहार राज्य में अंतिम अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? छठा, राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? सातवा, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आठवा, राष्ट्रपति शासन को लोकसभा के मंजूरी कब मिली? नौवा, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कब और कहाँ हुआ था? दसवा, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगाया गया था? धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला से जुड़े कुछ तथ्यों के प्रश्न इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहानाबाद के एक स्वर्ण सांसद के द्वारा एक लोरिक सेना का गठन हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? प्रश्न नंबर 2, भूमि सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रश्न नंबर 3, नक्सल प्रभावित इलाके में समेकित एवं त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? प्रश्न नंबर 4, राज्य की 13वीं विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? प्रश्न नंबर 5, बिहार राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? प्रश्न नंबर 6, राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर लगाया जाता है? प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी कब मिली? प्रश्न नंबर 9, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कब और कहां हुआ था? प्रश्न नंबर 10, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगाया गया था? धन्यवाद।